मरने वाले, लेकिन अभी थोड़ी मर रहे हैं यार, अभी तो बहुत आगे जीना है, बहुत सारी वीडियोस बनानी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जब हम इस वीडियो को बना रहे थे ना यार गाइस, तब जो है मैंने सबको कहा कि यार भाई अपनी अपनी लाइफ के बारे में कुछ लेटर्स लिखो, तो सब ने अपनी राम कहानी, उनकी लाइफ में जो अच्छा हुआ जो बुरा हुआ सारी चीज़ें लिख डाली। और हमने एक फैसला किया कि भाई हम इसे 100 साल बाद के नहीं, एक शर्त रखी कि 100 साल बाद तो निकलेगा जो निकलेगा, लेकिन अगर हम में से कोई भी 50 साल तक अगर सर्वाइव कर पाता है या फिर जिंदा बच पाता है, तो हम में से जो भी जिंदा बचेगा वो इस बॉक्स को बाहर निकालेगा। और जो हमने आज के टाइम में मजाक मस्ती की है, जो आज के टाइम में हमने एक दूसरे के साथ में पल बिताए हैं, वो उसे देख सकता है। एक पल के लिए सोच के देखो यार आप, मतलब जो भी उस टाइम जिंदा बचेगा वो हमारे बारे में देखेगा कि उस टाइम पे हम कैसे रहा करते थे। मतलब ये खुशी के आंसू है यार, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक पल के लिए हम सब लोग बुढ़े हो जाएंगे, मैं 80 साल का हो जाऊंगा, और या फिर जो भी जिंदा बचेगा वो 80 या फिर 90 साल का हो जाएगा, और मतलब उसके बाद वो निकालेगा कि हमारी एक यारी थी, हम सब लोग दोस्त थे, हम साथ में वीडियोस बनाया करते थे और हम साथ में से मस्ती किया करते थे। गाइस यार मुझसे एक वादा करो, तुम सब हम में से जो भी जिंदा बचेगा, चाहे बाबा तुम बचो या दिनेश तुम या मोटे भाई तुम या चमन तुम या रवि तुम, जो भी हम में से जिंदा बचेगा उसे इस बॉक्स को बाहर निकालना है जरूर बाबा।